हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका मैम। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का डिफिनेशन है, मटेरियल नाउन इज़ द वर्ड विच डिनोट्स एनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। इसका हिंदी में परिभाषा देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा वह शब्द है जो किसी भी प्रकार के पदार्थ का बोध करता है। पॉइंट्स है, इसमें वही पदार्थ आते हैं जिनसे दूसरी वस्तु बन जाए। इसमें वही पदार्थ आते हैं जिनसे दूसरी वस्तु बन जाए। एग्जांपल देखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, वाटर, मिल्क, ईटीसी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। पहला है, मटेरियल नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन के पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जांपल देखिए, द गोल्ड इज़ येल्लो, द गोल्ड इज़ येल्लो, यह रॉन्ग है। गोल्ड इज़ येल्लो, ये सही है। यदि मटेरियल नाउन के बाद ऑफ हो तो द का प्रयोग करते हैं। यदि मटेरियल नाउन के बाद ऑफ हो तो द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज प्रीसियस, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज प्रीसियस। देखिए, इससे पहले बताया गया है यदि मटेरियल नाउन के बाद ऑफ हो तो द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ गोल्ड के बाद ऑफ है इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है। द वाटर ऑफ द ग्लास इज फ्रेश, इसी तरह ये भी है, वाटर के बाद ऑफ है, ये मटेरियल नाउन है तो वाटर के बाद ऑफ है इसलिए यहाँ वाटर से पहले द का प्रयोग किया गया है। ट्रिक देखिए, यदि मटेरियल नाउन के बाद ऑफ हो तो द लगाते हैं, यदि ऑफ ना हो तो द नहीं लगाते हैं। तीसरा है, यदि मटेरियल नाउन को बहुवचन में रखा जाए तो अर्थ बदल जाता है और कॉमन नाउन हो जाता है। एग्जांपल देखिए, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन में क्या है, आयरन है, आयरन मटेरियल नाउन है और आयरन को बहुवचन बनाएंगे तो आयरन्स होगा और यह कॉमन नाउन हो जाएगा, यानी कि बहुवचन बनने पर इसका अर्थ लोहा से हथकड़ी हो जाएगा। इसी तरह वुड है, वुड, वुड मीन्स लकड़ी और कॉमन नाउन में वुड्स, वुड्स यानी कि यहाँ अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा जंगल। इसी तरह वाटर है, वाटर मीन्स पानी, यहाँ वाटर्स हो जाएगा, वाटर्स यानी कि समुद्र। सेंड यानी कि रेत, कॉमन नाउन में सेंड्स हो जाएगा, इसका अर्थ बदल के क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।